दोस्तों, हर साल दुनिया भर में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की खुशी मनाई जाती है, जिसके बारे में तमाम बातें की जाती हैं कि ईसा का जन्म कैसे वर्जिन मैरी की कोख में हुआ था। बाद में यही ईसा क्रिश्चियनिटी के प्रवर्तक हुए। खैर, अगर देखा जाए तो ईसा के जन्म के बारे में हम सबको मालूम है, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। उन्हीं प्रचलित बातों में से एक है कि ईसा की मौत यरूशलम में नहीं बल्कि भारत के कश्मीर में हुई थी। ये माना जाता है कि सूली पर लटकाए जाने के बाद भी वो जिंदा थे और दो दिन बाद वहां से गायब हो गए, जिसके बाद वो जहां भागकर पहुंचे थे वो जगह कोई और नहीं बल्कि कश्मीर ही थी, जहां ईसा ने अपने जीवन के आखिरी दिनों को गुजारा। हो सकता है कि कई लोग इस बात को मानने से इनकार करें, लेकिन इतिहासकारों और लेखकों के द्वारा हर बार ये नए सबूत के जरिए पेश किया जा रहा है कि ईसा की मौत भारत में हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सबूतों से रूबरू करवाने वाले हैं। कहानी शुरू होती है तब से जब इजराइल में ईसा मसीह को सलीब पर लटकाया गया था। अब सलीब पर लटका तो दिया गया था, लेकिन ये कहा जाता है कि उसके दो दिन बाद तक वो जिंदा रहे थे, फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए ये अब भी रहस्य है, लेकिन जब इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की गई तो हर बार जवाब था कश्मीर। कहानी को समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए जो बीबीसी में करीब दो दशक पहले सैम मिलर ने लिखी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने श्रीनगर के बाहर बनी एक प्राचीन रोजावल दरगाह को जीसस टॉम के तौर पर लिखा था। केवल वही नहीं, यूरोप और अमेरिका से जितने टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं उन सभी की उत्सुकता श्रीनगर में जाकर जीसस टॉम को देखने की होती है। माना जाता है कि निधन के बाद ईसा मसीह को जहां दफनाया गया है ये वही कब्र है और ये आज भी मौजूद है। इसे 2000 साल से कहीं ज्यादा पुराना बताया जाता है। इसी रिपोर्ट में मिलर लिखते हैं कि ये दरगाह एक पुरानी बिल्डिंग है। पहले तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग यहाँ जाना चाहते हैं, पर ये इतना आसान नहीं रह गया है। श्रीनगर के रोजाबल श्राइन में बनी ईसा मसीह की कब्र करीब 2000 साल पुरानी मानी जाती है। इस रिपोर्ट के साथ ही साथ ईसा के भारत में होने की बात पर जब मशहूर लेखक डैन ब्राउन ने अपनी किताब द विंची कोड लिखी तो पूरी दुनिया में ये किताब बेस्ट सेलर बन गई, जिसके बाद इस मामले में लोगों की रोचकता और बढ़ने लगी। कई रिसर्चर्स का मानना है कि जीसस की मृत्यु सूली पर चढ़ाने से नहीं हुई थी। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी वो बच गए और मिडिल ईस्ट के रास्ते भारत आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो भारत ही क्यों आए। भारत वो इसलिए आए क्योंकि अपनी शुरुआती उम्र में भी वो यहाँ आ चुके थे। कहा जाता है कि उनकी 13 से 33 साल तक की उम्र का हिसाब बाइबल में नहीं मिलता है। माना जाता है कि उनका ये समय भारत में बीता था, जहाँ उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का ज्ञान भी प्राप्त किया था। खैर, अब उस मकबरे पर आते हैं जिसे कश्मीर में ईसा का मकबरा कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि रोजाबाल में जिस शख्स का मकबरा है उसका नाम यूजा आसफ है, और रिसर्चर्स का मानना है कि यूजा आसफ कोई और नहीं बल्कि ईसा मसीह यानी कि जीसस ही है। वैसे क्राइस्ट के भारत आने पर बीबीसी लंदन ने 42 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जीसस इन इंडिया बनाई थी, तो वहीं श्रीलंका में भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम था जीसस वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। कई दशकों पहले कश्मीर के जाने माने लेखक अजीज कश्मीरी ने अपनी किताब क्राइस्ट इन कश्मीर से लोगों का ध्यान खींचा। आंद्रेयस फेवर कैसर ने जीसस डाइड इन कश्मीर लिखी, तो जाने माने लेखक एडवर्ड टी मार्टिन ने किंग ऑफ ट्रैवलर्स जीसस लॉस्ट ईयर्स इन इंडिया लिखी। जम्मू कश्मीर आर्कियोलॉजी रिसर्च एंड म्यूजियम के आर्काइव विभाग के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर फिदा हसनैन जब लद्दाख गए तो उन्होंने भी इस बारे में बौद्ध मठ में एक दस्तावेज देखा, तो उनकी भी दिलचस्पी इस मामले में पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने राज्य में इस बारे में पुरानी किताबें और प्रूफ तलाशने शुरू किए। जो कुछ इन्हें मिला वो यही इशारा करता था कि ईसा के भारत आने की बात में दम है, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि पहलगाम इलाके के लोगों का DNA स्ट्रक्चर मुसलमान बने यहूदी नस्ल के लोगों से भरा हुआ है। क्योंकि जीसस भी एक यहूदी थे, इसीलिए इस बात को और हवा मिलती है कि उनके आने पर ही ऐसा हुआ होगा। कई स्कॉलर्स ने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि कश्मीर में खबर किसी और की नहीं बल्कि ईसा मसीह या जीसस की है, लेकिन हर बार यही सवाल उठता है कि अगर जीसस की मौत सूली पर चढ़ाए जाने की वजह से यरूशलम में हुई थी तो उनका मकबरा 2500 किलोमीटर दूर कश्मीर में कैसे हो सकता है। जिसका जवाब खुद बाइबल देती है। बाइबल भी ईसा को सूली पर चढ़ाने के बाद उनके 12 बार अलग अलग समय पर लोगों के सामने आकर इंसानी रूप में जीवित होने का प्रमाण देती है, जिससे कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वो भारत आए ही। इसके अलावा यरूशलम के इतिहास के हिसाब से सूली पर लटकाए जाने के दो दिन बाद तक उन्हें जीवित देखा गया था, जिसके बाद वो गायब हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि गायब होने के बाद उन्होंने दमिश्क
सीरिया का रुख करते हुए सिल्क रूट पकड़ा और ईरान फारस से होते हुए वो भारत पहुंचे थे और कश्मीर में वो 80 वर्ष की उम्र तक रहे भी। सिर्फ बाइबल में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथ में भी ये कहा जाता है ईसा मसीह भारत आए थे, उन्होंने कुषाण राजा शालिवाहन से मुलाकात की थी। हिंदू के बाद अगर मुस्लिमों की माने तो मुस्लिमों का अहमदिया समुदाय भी ये यकीन करता है कि रोजाबल में मौजूद मकबरा ईसा या जीसस का ही है और ईसा कश्मीर आए थे। अहमदिया समुदाय के संस्थापक हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने 1898 में लिखी अपनी किताब मसीहा हिंदुस्तान में ये लिखा कि रोजाबल स्थित मकबरा जीसस का ही है, जिनकी शादी कश्मीर प्रवास के दौरान मरजान से हुई, जिसके बाद उनके बच्चे भी हुए और उनकी मौत भी यहीं हुई। ईसा मसीह के भारत आने की कहानी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब आई जब सन 1887 में रूसी विद्वान निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच नोटोविच ने संभावना जाहिर की थी कि शायद जीसस भारत आए थे, क्योंकि नोटोविच कई बार कश्मीर आए थे। जोजिला दर्रा के नजदीक स्थित एक बौद्ध मठ में वो मेहमान थे, जहाँ एक भिक्षु ने उन्हें एक बोधिसत्व संत के बारे में बताया जिसका नाम ईसा था। बता दें कि नोटोविच ने पाया कि ईसा और जीसस क्राइस्ट के जीवन में कमाल की समानता है। निकोलस नोटोविच एक रूसी यहूदी राजदूत, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार यह दावा किया था। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से बनी एक डॉक्यूमेंट्री प्रामाणिक रूप से भारत में ईसा मसीह के संबंध के बारे में बताती है। भारतीय सेंसर बोर्ड से पास इस डॉक्यूमेंट्री में 2000 साल पुराने शिव मंदिर के अभिलेखों, संस्कृत और बौद्ध पांडुलिपियों में यीशु के यहूदी नाम यसूरा के नाम का जिक्र है। साथ ही साथ सम्राट कनिष्क के अनदेखे सिक्कों और तिब्बती ऐतिहासिक पांडुलिपियों के तहत उनके कश्मीर आने को साबित भी किया गया है। श्रीनगर के जिस छोटे से मोहल्ले खान यार में यह खबर बताई जाती है, वो पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के ईसाई और धार्मिक इतिहासकारों के आकर्षण का केंद्र भी बनती रही है। एक और बात जो इस खबर को ईसा का होना प्रूफ करती है वो ये है कि खान यार के रोजाबल में जो खबर है वो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में, जबकि मुसलमानों की खबरें दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये खबर किसी मुस्लिम की नहीं है। खैर, ईसा मसीह के सच्चे उत्तराधिकारी कहे जाने वाले वेटिकन सिटी के लोग बेशक सिरे से इस बात को खारिज करते हैं, लेकिन ये बात इतने ढेर सारे तथ्यों के साथ कही जाती है और इसके पक्ष में ऐसे साक्ष्यों का दावा किया गया और लगता है कि ऐसा हुआ हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितने लोग इन तथ्यों पर भरोसा करते हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन इतिहासकारों और लेखकों ने अपने तौर पर यह साफ करने की कोशिश की है कि ईसा एक बार नहीं बल्कि दो बार भारत आए थे। आपको क्या लगता है, क्या सच में ईसा भारत आए होंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।